नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि 2024 में कब है, इसकी तिथि और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए आज का वीडियो शुरू करें। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल दो बार शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। पहली महाशिवरात्रि फाल्गुन माह में कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और दूसरी सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, इसलिए हर साल बड़े धूमधाम से फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन चार पहर में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर के सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं फाल्गुन माह के महाशिवरात्रि की सही डेट और पूजा मुहूर्त। फाल्गुन महाशिवरात्रि की सही तिथि साल 2024 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को शाम 6:17 पर समाप्त होगा। इस बार रात्रि पूजा मुहूर्त के अनुसार 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। अब हम बात करेंगे चार पहर की पूजा के मुहूर्त के बारे में। महाशिवरात्रि के पहले पहर की पूजा का समय 8 मार्च को शाम 6:25 से लेकर 9:28 तक। महाशिवरात्रि के दूसरे पहर की पूजा का समय 8 मार्च को 9:28 से 12:30 तक। महाशिवरात्रि की तीसरे पहर की पूजा का समय 9 मार्च को सुबह 12:30 से 3:34 तक। महाशिवरात्रि की चौथे पहर की पूजा का समय 9 मार्च को सुबह 3:34 से सुबह 6:37 तक रहेगा। अब हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में। मान्यता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माँ पार्वती की तपस्या सफल हुई थी और उनका विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ था। इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो। इसी के साथ साथ आप लोगों को शिवरात्रि के दिन पंचामृत बनाकर शिव बाबा को जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे महादेव यानी कि शिव शंकर भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।